नमस्कार, इस वीडियो में हम भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। आपको इसमें फ्रैक्शंस के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। सूची, पहले हम बात करेंगे भिन्न के बारे में जो कि होता है फ्रैक्शंस, फिर हम बात करेंगे अंश और हर के बारे में जो कि होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फिर हम बात करेंगे संख्या रेखा पे भिन्न को दर्शित करना यानी कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को प्लॉट करना, और उसके बाद हम जाएंगे उचित, विषम और मिश्रित भिन्न के बारे में बात करेंगे जो कि होते हैं हमारे प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शंस, और बाकी चीजें जो बच गई वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस, सबसे पहले हम भिन्न के बारे में बात करते हैं। भिन्न का उपयोग कहाँ होता है? भिन्न का उपयोग कई जगह होता है। मैं सबसे आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ। अगर आप कोई चीज खाने बैठते हैं तो अगर आप तीन या चार लोगों तो आप उसको तीन या चार टुकड़ों में बांटते हैं तो आप उसे एक बटे तीन या एक बटे दो में बांटते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं तो पहली वाली चीज को हमने एक बटे दो में बांटा है और दूसरी वाली चीज को एक बटे चार में बांटा है। इसका मतलब है पहली वाली चीज को हमने दो भाग में किया है और दूसरी वाली चीज को हमने चार भाग में किया है। अगर इसमें से मैं पहला भाग ले लूं तो इसे एक बटे दो बोलेंगे और ये वाला भाग ले लूं तो इसे एक बटे चार बोलेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, एक बाई चार का मतलब होता है कि एक पूर्ण चीज को चार भाग में काटना और उसमें से एक भाग लेना। वैसे ही एक बाई बटे दो का मतलब होता है एक पूरी चीज को दो हिस्सों में बांटना और उसमें से एक हिस्सा लेना। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह एक पिज्जा है जो कि सबने खाया हुआ होगा, तो इसमें से मैं जब इसका एक भाग लेता हूँ तो ये कुल मिलाकर इस वन एक बटे छह बनता है, क्योंकि इसमें के मैंने छह भाग किए हैं और उसमें से मैंने एक भाग निकाल लिया तो इस यह एक बटे छह बनता है। तीन बटे पांच में तीन को अंश यानी कि न्यूमरेटर और पांच को हर यानी कि डिनोमिनेटर कहते हैं। हर का मतलब होता है कि हमने किसी चीज के कितने भाग किए और अंश का मतलब होता है उसमें से हमने कितनी चीजें ले ली। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें एक त्रिकोण दिया हुआ है और उसके हमने नौ भाग किए हैं जिसमें से हमने चार भाग ले लिए, तो अभी जो मेरे पास भिन्न बनता है वो चार भाग बटे नौ का बनता है, जिसमें से चार मेरा अंश होता है और नौ मेरा हर होता है। वैसे ही अगर मैं एक वृत्त ले लेता हूं और इसे चार भाग में बांट देता हूं तो इसमें से पहला भाग मैंने ले लिया तो जो भिन्न बनता है वो एक बटे चार का बनता है, इसमें से चार भाग में मैंने बांटा और उसमें से मैंने एक भाग ले लिया। प्रश्न, पहले प्रश्न में इस चित्र के लिए भिन्न लिखें और दूसरे प्रश्न में से एक 40 मिनट एक घंटे का कितना भाग होता है जो कि एक भिन्न आएगा उसे लिखें। अब मैं आपको कुछ समय देता हूं उत्तर लिखने के लिए। पहले प्रश्न में जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने चित्र को सात भागों में बांटा था तो नीचे सात आ गया और इसमें से हमने तीन भाग लिए थे तो जो भिन्न बनता है वो तीन बटे सात बनता है, जिसमें तीन मेरा अंश होता है और सात मेरा हर होता है। अभी दूसरे प्रश्न पे आते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और मुझे उस 40 उसका कितना भाग होता है वो निकालना है, तो मैं इस 40 बटे 60 लिख दूंगा। तो जैसा कि हमें पता है 40 बटे 60 दो बटे तीन होता है, तो इसका मतलब ये है कि 40 मिनट एक घंटे का दो बटे तीन भाग होता है, यानी कि यह भिन्न दो बटे तीन होता है जिसमें दो मेरा अंश होता है और तीन मेरा हर होता है। संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाना, जैसे कि हम बाकी संख्याओं को आज तक संख्या रेखा पर दिखाते आए हैं, वैसे ही हम भिन्न को भी संख्या रेखा पर दिखाएंगे। ऐसा करने के लिए हम शून्य से एक वाली संख्या रेखा को लेते हैं और उसे हर के जितने भागों में बांट देते हैं, उसके बाद वह हम वह विभाजन दर्शाते हैं जो अंश होता है।
जैसे कि अब अगर इसमें आप देख सकते हैं तो इसमें एक बटे दो दर्शाने के लिए मैंने इसको दो भागों में बांट दिया, शून्य से एक के बीच में, और मैंने एक वाला दर्शा दिया। अगर मेरे को चार बटे पांच दिखाना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक संख्या रेखा बनाऊंगा और उसमें शून्य एक और इसे पांच भागों में एक दो तीन चार पांच भागों में बांट दूंगा। और अभी मैं चौथा वाला दर्शा दूंगा तो यह मेरा चार बटे पांच बन जाता है। यह आपके लिए एक प्रश्न है, पांच बटे सात को संख्या रेखा पर दर्शाएं। मैं आपको कुछ समय देता हूं उत्तर लिखने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप एक संख्या रेखा बना लें, इसमें शून्य और एक का चिन्ह लगा लें। अभी इसे सात भागों में बांटना है क्योंकि सात मेरा हर है, एक दो तीन चार पांच और छह। अभी इसमें से मैं पांच को दर्शा दूंगा क्योंकि पांच मेरा अंश है, तो यह पांच बटे सात बन जाएगा। तो ऐसे ही हम सारे प्रश्न बना सकते हैं। जो भिन्न एक से छोटे होते हैं उसे हम उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न में हमेशा अंश हर से छोटा होता है। अभी तक जो चीजें भी हमने पढ़ी वह उचित भिन्न था। कुछ उदाहरण उचित भिन्न के, तीन बटे पांच या पांच बटे छह। हमने जो चीजें भी अभी तक पढ़ी थी वह उचित भिन्न के लिए ही था, और अभी जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें मिश्रित भिन्न और विषम भिन्न भी आएगा। विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मेरे पास तीन आम हो और मुझे आधा आम कोई और दे देता है तो मेरे पास कुल मिलाकर कितने आम होंगे? मेरे पास सात बटे दो यानी कि साढ़े तीन आम होंगे। अब यह सात बटे दो कैसे आता है यह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन सात बटे दो भी एक भिन्न होता है जिसे हम विषम भिन्न कहते हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो मेरे पास दो वृत्त है और एक आधा वृत्त है। अगर इसे हम मिलाएंगे तो यह पांच बटे दो बनता है, और यह पांच बटे दो कैसे आता है यह भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अगर हमें सात बटे दो को लिखना हो ताकि वह एक पूर्ण और एक उचित भिन्न, तो उसे हम तीन एक बटे दो लिखते हैं। तो इसमें तीन हमारा हो जाता है कि मेरे पास तीन आम थे, और एक बटे दो का मतलब होता है कि किसी ने मेरे को आधा आम और दिया। इसका मतलब कि यह भी हम जोड़ सकते हैं कि तीन में हमने आधा जोड़ दिया। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो जैसे मैंने पांच बटे दो लिखा था तो उसे हम ऐसे देख सकते हैं कि मेरे पास दो पूरे वृत्त हैं जो कि ये हैं, और एक आधा वृत्त था। तो इसे मैं लिखूंगा दो एक बटे दो। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। यह हमें काफी उपयोग में आता है क्योंकि आगे चल के यह हमें लिखने में बहुत ही आसान पड़ता है। प्रश्न, इन्हें उचित और विषम भिन्न में विभाजित कीजिए। मैं आपको कुछ समय देता हूं इसे हल करने के लिए। उचित भिन्न और विषम भिन्न। तीन बटे चार, जैसा कि हम जानते हैं एक से कम होता है क्योंकि इसमें जो अंश है वह हर से कम है, तो यह उचित भिन्न होगा। सात बटे नौ, यह भी उचित भिन्न होगा। विषम भिन्न 11 बटे सात, क्योंकि इसमें जो अंश है वह हर से बड़ा है, और 8 बटे तीन, इसमें भी जो अंश है वह हर से बड़ा है, लेकिन 11 बटे 11 में अगर आप देखें तो यह एक, इसको मैं
एक के बराबर लिख सकता हूँ, और इसमें जो हर है वह अंश के बराबर है, तो इसे हम बोलते हैं संख्या। तो इसे ना हम उचित भिन्न बोल सकते हैं ना हम विषम भिन्न बोल सकते हैं, इसीलिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ। इन्हें मिश्रित भिन्न में बदलें। पहला सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी के आप खुद से प्रयत्न करेंगे। तो पहले सवाल में मेरे को 11 बटे 3 को करना है, तो मैं पहले 11 लिख लूंगा और इसे 3 से भाग करूंगा। 3 3 यहाँ पे 9 और मेरे पास 2 बच जाएगा। तो इसे लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले ये 3 मेरा आएगा यहाँ पे 3, फिर यह आएगा जो मेरे पास बच गया 2, और यहाँ पे यह 3 आएगा। तो यह मेरा मिश्रित भिन्न में कुछ ऐसा रहेगा। तो बाकी के आप प्रयत्न करें। सात बटे छह में सात छ, यहां पे एक, यहां पे छ और यहां पे एक बज गया, तो इसे मैं लिखूंगा एक एक बटे छ। ऐसे ही 9 बटे 4, तो यहां पे 2 आ जाएगा मेरे पास, यहां पे 8, यहां पे 1 बचेगा मेरे पास, तो इसे लिखते समय मैं लिखूंगा 2 1 बटे 4। और 110 बटे 7, तो यहां पे करते समय पहले आएगा मेरे पास 1 7 4 0 5 35 और मेरे पास 5 बच जाएगा। तो इसे लिखते समय मैं लिखूंगा पहले 15, फिर मेरे पास 5 बच गया 5 बटे 7। हमने क्या सीखा? पहले हमने भिन्न क्या होता है सीखा, जैसे कि 3 बटे 4, फिर अंश क्या होता है और हर क्या होता है, फिर हमने सीखा संख्या पे भिन्न को कैसे दर्शाते हैं, फिर उचित भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है और मिश्रित भिन्न क्या होता है। तो अगली बार हम सीखेंगे भिन्न का गुणा, भाग और जोड़ घटाव। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।